Assalamu alaikum students, welcome back to your lecture. In this portion of your lecture, I will explain question number 2 to 6. It will only be explained here, you will solve it in your homework, alright? Let's move on to question number 2. Question number 2 is, if the geography textbook for class 5 is 4 over 5 or 4/5 centimeter thick, how high will the pile of 9 such books, textbooks be? आपकी ज्योग्राफी की जो बुक है क्लास 5 की उसकी थिकनेस अगर ये हम एक बुक बना रहे हैं तो इसकी ये जो थिकनेस है ये चीज ये है 4/5 सेंटीमीटर. अब उन्होंने पूछा एक बुक की तो 4/5 सेंटीमीटर थिकनेस है, अगर हम इसके ऊपर 8 और बुक्स रख के 9 की एक पाइल बना दें, इसको एक बंडल बना दें 9 बुक्स का, कुछ इस तरह से एक बंडल पड़ा है उसके अंदर ऐसे 9 बुक्स पड़ी हैं. ऑलराइट, सो आपने बताना है कि इसकी टोटल थिकनेस कितनी होगी. हमेशा से आप क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, जब भी आपको एक चीज़ की अमाउंट या वैल्यू गिवन होती है और आपने ज़्यादा चीज़ की फाइंड करनी होती है तो आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं. सो यू विल मल्टीप्लाई 4/5 विद 9. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, आपके पास 9.5 केजी मैंगोज हैं एक कार्टन में और आपने करना क्या है 15 कार्टन्स का वेट बताना है. तो सिंपली आप 9/1/5 को, सॉरी ये 9.5 नहीं, 9/1/5 है. 9/1/5 केजी को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 15 से. दैट इज फॉर यू क्वेश्चन नंबर 3. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4 है. क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या क्या पूछा गया है आपसे, अली कवर्स हाफ किलोमीटर 9 टाइम्स अ डे, हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर इन अ डे. सेम है, हाफ किलोमीटर जो है 9 टाइम्स अ डे वो कवर करता है, यानी कि 9 टाइम्स वो रन करता है या वॉक करता है और हर मर्तबा वो सिर्फ हाफ किलोमीटर रन करता है या वॉक करता है. आपने बताना है वो टोटल पूरे दिन में कितना भागता है. सो 9 टाइम्स वॉक करता है और कितने किलोमीटर्स, हाफ किलोमीटर्स. सो यू विल सिंपली मल्टीप्लाई इट. दैट इज फॉर योर क्वेश्चन नंबर 4. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट है इससे. दैट इज अ रेस ट्रैक इन अ स्टेडियम इज 1/7/8 किलोमीटर्स लॉन्ग. इफ आदिल मैनेजेस टू रन अराउंड इट 4/1/3 टाइम्स, हाउ मेनी किलोमीटर हैज ही रन. सो स्टेडियम की जो लेंथ है वो है 1/7/8 किलोमीटर और आदिल कितनी मरतबा भागता है 4/1/3 टाइम्स भागता है. आपने बताना है कि उसने टोटल कितना भागता है वो. ऑलराइट, इसमें भी आपने सबसे पहले होल नंबर इसमें ख़त्म करना है और उसके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है. तो आपको, क्योंकि आपको 1 टाइम की आपको डिस्टेंस गिवन है और टोटल नंबर ऑफ टाइम्स गिवन है, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे just like this, 1/7/8 multiply by 4/1/3. होल नंबर को खत्म करेंगे एंड देन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ फार्म 2/3 इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स, पोटैटोज आर ग्रोन ऑन 1/4 ऑफ दिस पोर्शन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल फार्म एरिया इज डिवोटेड टू पोटैटोज. एक फार्म है, लेट्स से ये फार्म है आपका, इसके 2/3 पोर्शन के लिए, 2/3 पोर्शन में वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं. इस 2/3 पोर्शन का 1/4 जो है, जिस तरह से हमने पहले डिवीजन की थी, तो 1/4 पोर्शन लेट्स से हमारे पास ये है, इस पोर्शन में पोटैटोज ग्रो किए जाते हैं. आपने बताना है ये जो पोटैटोज वाला पोर्शन है ये टोटल फार्म का कितना पोर्शन बनता है. उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली आपने फाइंड करना है कि 1/4 of 2/3 कितना होता है. आपको पता है कि इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3, सो आपको आंसर मिल जाएगा इसका. ऑलराइट, आपके क्वेश्चन नंबर 1 आपका फर्स्ट पोर्शन में हो गया था, क्वेश्चन नंबर 2 to 6 आपने इसमें एक्सप्लेन कर दिए गए हैं. सो आपका होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2 to 6 होगा. Thank you.